आपकी कभी ऐसी बहुत गंदी हो हुई गुस्सा आया हो बहुत तेज एकदम गुस्सा मेरे घर में इतना मारा गया हूं ना मैं मेरा गुस्सा सब वहीं खत्म हो गया हूं। <laughs> उसका कोई कुछ नहीं कर सकते आप सबका अपना ओपिनियन है सबको एक फ्री ऑफ स्पीच का वो मिला हुआ है तो ऐसे हमें कई प्लेयर्स बताते हैं जब वो बाउंड्री के पास की दर्शक बहुत भद्दी भद्दी चीजें बोलते हैं वहां से अटेंशन ड्रा करने के लिए सही बात है नहीं बोलते हैं बहुत सारे लोग अवॉइड करना पड़ता नहीं तो फील्डिंग अच्छी नहीं होगी बहुत सारे लोग हैं एक बार आपने कितने देखे होंगे आप एक बार मुझे याद है नेट पे ही पी के मैं रोहित मनोज तिवारी किसी फ़ैन ने आके बोला वो पी के उठा मारने के लिए वो क्या बोला फैन ने आगे नहीं कुछ भी हम इतनी दूर से आए हैं ये हमें भी तो मिलना है आप लोगों से कहा भाई हम देश को रिप्रेजेंट कर लें मिलने थोड़ी ना आए किसी से फिर गाली गलौज कुछ हुआ था वो पी के ने बोला भी था आपके उसमें वो बहुत बार होता है ऐसे एक बार दो हज़ार कहाँ पर दस में वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में वहाँ पर कुछ यू एस ए लोग आए थे यू डोंट इवन नो हाउ टू प्ले क्रिकेट महंगा आप खेलो फिर हम इतने दूर से बन गए दूर से क्यों है हमने बुलाया आपको दूर से अब मैच देखने आए हो ये खेल आओ एक दिन आप जीतोगे दूसरे मैं जीतूंगा वो तो वो टोन ख़राब लगते थे वो और हम सारे जितने उस टाइम के बहुत अग्रेसिव थे हम लोग हम जब खेलते थे तो बिल्कुल ख़तरनाक खेलते लेकिन किसी की सुन नहीं सकते जो गलत है उस टाइम इतना सोशल मीडिया नहीं था वो बट खराब लगता था कि चैनल पे मैच के आ रहे हैं घर में देख रही माँ देख रही हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं मुजरिम है हारना खतरनाक था वो वही टीम डिसाइड कर रहे हैं उनको ए बी सी डी नहीं पता वो कौन प्लेयर क्या करता है वो अब तीन तीन महीने मेहनत कर रहे हो रन बना रहे हो इसको हटाओ खेल नहीं पाता ये तो फिर फैमिली कहती क्यों खेल रहे पढ़ाई कर लेता क्यों माँ नहीं सुनेगी ना आपकी माँ सुन सकती है कोई बुराई करे हो हर माँ चाहेगी मेरे बेटे की तारीफ़ हो हर बहन कोशिश करेगी हर वाइफ चाहेगी कौन क्यों जब आदमी गलत नहीं तो वैसे रहता था पुतले जलाए थे मुझे याद है वो धोनी भाई ने भी बोला था अगर याद होगा आपको क्यों मोटिवेट थे वो? खेलना है वो आज भी जर्सी रखी हुई उनके घर में 2007 की वो देखते हैं कि हाँ ये क्वालिफाई नहीं होते वो तो क्रिकेट तो आज है कल नहीं है उन्होंने वो जर्सी रखी हुई बिल्कुल रखी हुई उन्होंने वो क्योंकि वो खराब टाइम था ना इंडियन टीम का वो बहुत सारा कुछ मैच का चल रहा था सारे परेशान थे मैंने शुरू की थी जर्नलिज्म उस समय हम लोग आई में पढ़ते थे और ये मार्च अप्रैल में था मेरे ख्याल से जी 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 तो हमें आ, स्टार न्यूज़ तब एक चैनल हुआ करता था तो वहाँ इंटर्न के लिए बुलाया इंटर्नशिप के लिए बुलाया गया था और यही था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप है काम ज़्यादा है तो आप लोग आइए काम सीखिए भी और करिए भी और हम लोग वही मैच देख रहे हैं न्यूज़ रूम में और हार रहे हैं ऐसे सन्नाटे बांग्लादेश से हार रहे हैं बिल्कुल एकदम तो रुआसे से हो रखे हैं कि नहीं मुझे जाना था उस वर्ल्ड कप में आई थिंक सिलेक्शन होता तो मैं जाता मेरा नी का ऑपरेशन होता पहला वो दो हज़ार सात में मेरा नी मिनेस्कस ए सी एल काटले सब टूट गया था वो कैसे मैं फील्डिंग करने गया था दादा की जगह सब्सिट्यूट में तो नया जूता था मेरा पॉइंट श्रीलंका में हाँ. मैं खेल नहीं रहा था मैं दादा के रहे मुझे वॉशरूम जाना है आप आ जाओ दो ओवर के लिए मैं तो गया तो मैंने पॉइंट पे बॉल पकड़ा ऐसे मारने गया तो ट्विस्ट हो गया मेरा नी एक साउंड सा साया फिर ऐसे दस पंद्रह एपिसोड हुए रणजी ट्रॉफी में वेस्ट इंडीज़ टूर पर तो मुझे लगा पता नहीं फिर मैंने एम कराया तो मेरा नी टूटा हुआ था वो उसी से खेल रहे थे रिंग से ही खेल रहा था बस फिर एक बार रेलवे से मैच था मैं दूसरा रन ले रहा था तो वो जैसी टर्न किया तो टूट गया नहीं फिर मुझसे उठा नहीं गया वो फिर दो महीना रेस्ट किया फिर पुणे एक डॉक्टर थे उनके पास गए फिर बी के डॉक्टर जाना जोशी सर उन्होंने फिर वो ऑपरेशन किया फिर वो सात महीना था उसने मुझे लाइफ सिखाई मैं तो बहुत छोटा था दो में खेला था अपना दो में और दो हज़ार सात में नहीं ऑपरेशन तो मैं बारह महीने आउट था टीम से उस टाइम कंपटीशन बहुत था दादा लक्षण भाई यू वी पास सब मतलब पीक के प्लेयर खेल रहे थे और उस बस में बैठना मतलब नामुमकिन था वो फिर डोमेस्टिक खेले फिर रन बनाए वो अलग मेहनत थी पर ऐसा रहता है क्या कि एक बार चूंकि आप उस लेवल पे खेल चुके तो आपको पता होता है कि अब मैं करूँगा तो वापस पहुँच जाऊँगा लेकिन नी का नहीं पता था ये कैसे होगा मैं यंग था सॉलिड फिर फैमिली ने वो सपोर्ट किया पैसा इतना था नहीं ट्रैवल करने के लिए उस टाइम आई पी एल भी नहीं था ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था बट बी सी सी आई के ऑफिसर रत्नाकर शेट्टी सर उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था कि आप परेशान ना हो हम आपका ऑपरेशन का करेंगे फिर रिहाप का पैसा लगता अगर आप किसी इंटरनेशनल डॉक्टर के पास जा रहे हो फ़्लाइट के खर्चे बहुत था सब बोर्ड ने दिया है नहीं वो ऑपरेशन का बोर्ड नहीं दिया था जो मैं ट्रैवल कर रहा था वो मेरा एक्सपेंस है कि मैं देखूँ हुआ क्या है तो मैं चाहता था दो तीन ओपिनियन ले लूँ कि क्या कोई डॉक्टर बोल रहा है कि स्वेलिंग में मत करना वो नहीं ख़राब हो एक बोल रहा था कि इसकी स्वेलिंग में ही करते हैं ये अच्छे से रिकवर होगा तो फिर मैं कन्फ्यूज़ हो गया था वो तो मैंने कहा वेट करता हूँ फिर मैं इंग्लैंड गया एक डॉक्टर से मिलने उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया से गया था मिलने वो फिर किया मैंने इंडिया में था क्योंकि बी सी से उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट में थे कि हमें यहीं पर कराना है ऑपरेशन पर मिलना ज़रूरी था वो बस तो पैसे थे ही नहीं वो बस चार सौ भी नहीं होते थे रे के क्योंकि मैंने लोन पर घर लिया था वो तो वही चल रहा था कि कैसे उतारूँगा इतना बड़ा लोन लिया मैंने खेल रहा तो वो एकदम एक साल स्टॉप हो गया वो कुछ अर्निंग खत्म मैंने कहा ये तो एकदम तो मम्मी पापा के लिए घर लिया वो खेलने के बाद ये तो उतारना ही है